माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, अनदर डे अनदर वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन चीज़ सैंडविचेस। बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको हैंड टू हैंड ऐड करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक बोल में श्रेडेड चिकन है, इसके अंदर हम मायोनीज ऐड कर देंगे। मायोनीज 1 कप से, मतलब आप देख लें, आप लोग को ज़्यादा ही अगर लगता है अच्छा तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम लगता है तो आप कम, अप टू यू। तो मायोनीज ऐड कर देंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने ज़्यादा थोड़ी सी इसलिए ऐड की है कि वो मुझे भी फीका लगता है, मायोनीज का मायोनीज ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच सॉल्ट ऐड करते हैं। ओके, इसको मिक्स करते हैं फिर आप। ओके, तो मैंने यहाँ पे मायोनीज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दूंगी, इससे थोड़ा सा टेस्ट ना अच्छा लगता है, तो बटर ऐड करते हैं। इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। ओके, तो मैंने बटर डाल के मिक्स कर लिया। अब अच्छी तरीके से हम असेंबलिंग कर देते हैं, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। स्लाइस के ऊपर मैं केचप लगा के इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर देंगे। बहुत सिंपल है, इजी रेसिपी है। इसके अंदर हम अपना चिकन और मायोनीज वाला बैटर ऐड कर देंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे कि इसकी कॉर्नर्स। अच्छा, बाज़ अवकात ऐसा होता है कि हम बीच में रख देते हैं, कॉर्नर्स रह जाते हैं, तो फिर सब बीच का पार्ट खा के कॉर्नर्स छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लें कॉर्नर्स तक। ओके, अब मैं इसके ऊपर क्यूकम्बर डाल दूँगी। अगर ये ऑप्शनल है, मेरे घर में सबको अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्यूकम्बर। अच्छा, ये मसाला। अब इसका जो मेन चीज़ है वो है चीज़ स्लाइस, तो वो ऐड कर देंगे। लास्ट पार्ट है, इसमें भी केचप लगा के मैं इसको बंद कर देती हूँ। ओके, अब इस वाले पार्ट के बाद हम इसको ग्रिल कर देंगे। एक्चुअली आई डोंट हैव अ ग्रिल पैन, तो मैं इसको तवे में सेक लूँगी। आप लोग के पास ग्रिल पैन है तो आप इसको ग्रिल करना। ओके, तो मैं ये सारे इसी तरह से जिस तरह मैंने एक बनाया इस तरह सारे बना के इसको तवे पर सेक के फिर आपके पास आती हूँ फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइस, हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ चिकन चीज़ सैंडविचेस। तो मैंने सारी असेंबलिंग करके सब चीज़ों इसके अंदर डाल के उसके बाद मैंने इसको तवे पे अच्छे तरीके से सेक लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो आप ग्रिल पैन पे भी कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने तवे पे कर लिया। इसलिए करा है ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो चुका है अच्छी तरीके से। चिकन चीज़ सैंडविचेस तो रेडी हो चुके हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलूंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।